कहा जाता है कि एक पेड़ लगाकर उसका पालन पोषण करना 100 पुत्र के बराबर होता है। बात सही भी है, पेड़ हमारे जीवन में अनमोल है। वायुमंडल को संतुलित करने में पेड़ों का बड़ा अनमोल योगदान है, लेकिन जब यह पेड़ सूख जाते हैं तो यह जानलेवा भी साबित होते हैं। बीते दिनों आई आंधी तूफान में कई बड़े बड़े पुराने जर्जर पेड़ गिर गए, जिनसे जान मान का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई और विद्युत विभाग को भी खासा नुकसान भी हुआ। समय रहते शहर के अंदर बहुतायत ऐसे पेड़ हैं जो पूरी तरह से जर्जर हैं या सूख चुके हैं, या फिर वह पेड़ जो बिजली की तारों के ऊपर से गुजरते हों, उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को काटकर उन्हें संरक्षण में ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विभागीय अधिकारी किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा है और अपने सिर से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो वन विभाग के परिसर में ही कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सूख चुके हैं और कुछ पेड़ बिजली के तारों के ऊपर से गुजरते हैं, और विभाग के आला अधिकारी कहते हैं कि अगर हमें कोई सूचना देता है तब हम उसे काटने को कार्य करते हैं। लेकिन इन्हें अपने विभाग से ही लगी सूखी और जानलेवा पेड़ नजर नहीं आते हैं। आंधी तूफान में अगर किसी की जान चली जाती है तो मुआवजे का मरहम लगाकर उसे शांत किया जाता है, लेकिन समय रहते इन लापरवाहियों से मुक्ति का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस संबंध में जब गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने उप प्रभागीय वन अधिकारी टीएन सिंह और अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मंडल एसके सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। अरे काट सकते टाइम नहीं लगी।
बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो विद्युत तार पे के ऊपर से गुजरते हैं सर, और कभी वो जान माल के खतरा साबित होते हैं सर, ऐसे में सर आपका क्या व्यवस्था है सर? ऐसे नहीं, जो विद्युत तार से जो पेड़ बिल्कुल लगे हुए हैं जो भी है इस तरीके का, तो उनका जो ब्रांचेज है जो हमारे बिजली की लाइनों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको हम समय समय पर ट्रिमिंग करवाते रहते हैं, वन विभाग से परमिशन ले करके उसको उसकी हम थराई कराते रहते हैं। जहाँ तक सूखे पेड़ या बड़े पेड़ का है तो उनको पूरी तरीके से काटना या उनकी जो भी निस्तारण करना वो वन विभाग का ही अपनी व्यवस्था है। हमारी लाइनों के बीच में या लाइनों के बगल से जो लाइनें जो जाती हैं उनके ब्रांचेज कटिंग करके हम इस तरीके से कर लेते हैं कि भाई लाइनें डिस्टर्ब ना हो। देखिए हाँ, मतलब आपने भी बात किया कि हमारे यहाँ कुछ प्रजातियाँ ही हैं जो प्रतिबंधित हैं, 27 प्रजातियाँ पूर्ण रूप से छूट पे हैं जिनको काटने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जैसे यूकलिप्टस है, सीरस है, आंवला है, इनको काटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रजातियाँ हैं इनको जिनको काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे आम है, नीम है, महुआ है, साल है। तो अगर इस तरह की कोई प्रजातियाँ हैं जो प्रतिबंधित हैं इनको काटने की आवश्यकता पड़ती है तो विभाग इसके लिए कटान अनुमति जारी करता है जिसके लिए DFO अधिकृत है। ये कटान अनुमति 3 शर्तों पर जारी की जाती है, या तो पेड़ फूट गया सूख गया हो, या राजकीय विकास कार्य में बाधा हो, या उससे किसी के जान माल के खतरे की संभावना हो। ऐसी परिस्थिति में पेड़ का मालिक अगर अप्लाई करता है उसका एक निर्धारित फॉर्मेट है, अगर वो सरकारी विभाग है तो चिट्ठी लिख दे, और गैर सरकारी विभाग है तो उसका एक फॉर्मेट है उसमें अप्लाई करता है, उसको काटने की अनुमति यहाँ से दे दी जाती है, फिर वो अपना कटवा करके पेड़ का लकड़ी का डिस्पोजल। सर वन विभाग अपने तरफ से कोई इस तरह का वन विभाग प्राइवेट पेड़ नहीं काटता। सड़क के किनारे बहुत से ऐसे सड़क के किनारे के पेड़ जो हमारे हैं जो सूखते जाते हैं उनकी लाट बना के हम देते हैं, हमारे यहाँ काटने का काम वन निगम करता है, हम उनको पेड़ों की सूची दे देते हैं, वो काटते हैं, वो काट के लकड़ी ले जाते हैं, अपना उसका डिस्पोजल करते हैं। लेकिन वन विभाग इटसेल्फ खुद कोई अपना भी पेड़ नहीं कटवाता, और प्राइवेट पेड़ कटवाने का तो कोई नियम नहीं है। प्राइवेट पेड़ अगर ज़्यादा मात्रा में है तो अगर वो वन निगम से कंसल्ट करता है तो वन निगम उसका पेड़ खरीद लेता है, कटवा करके नीलाम कर देता है, उसको एक निश्चित धनराशि दे देता है। लेकिन वन निगम भी ऐसे क्षेत्रों में तभी काम करने जाता है जब बड़ी मात्रा में पेड़, एक दो पेड़ कटवाने वन निगम भी नहीं करता।